तो दाना प्रस्तुत करने के लिए आपका सबसे पहला काम यह होता है कि आपको एक बड़ा सा गड्ढा खोदना है जिसका लेंथ हमने यहाँ पर लिया 3 फीट का और ब्रेथ भी इसका 3 फीट है और जो डीप है वो भी 3 फीट है। तो हमने यहाँ पर जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं तो वो सब इस जो गड्ढे के हिसाब से ही लिए है। इस प्रस्तुति में सबसे ज़्यादा जो क्वान्टिटी होता है वो गोबर का होता है। यहाँ पर हमने 20 कुंड गोबर लिए हैं और उसी हिसाब से 5 या 6 लेमन लिए हैं और उसी हिसाब से हमने फर्टिलाइज़र लिए हैं, जैसे कि 1 kg सुपर, 1 kg यूरिया एंड 3 kg बादाम का जो ऑयल केक होता है और वो 3 kg ग्राम। आपको जितना बड़ा गड्ढा खोलना है आप खोल सकते हैं और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आपको चाहिए वो ले सकते हैं, पर उसी हिसाब से आपको इन्ग्रीडियंट्स लेना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा गड्ढा तैयार हो रहा है। और फाइनली हमारा गड्ढा तैयार हो चुका है। अब हम लोग एक बड़ा सा पॉलीथिन लेंगे और उसको उस गड्ढे के अंदर अच्छे तरीके से बिछा लेंगे ताकि जो पानी एक्स्ट्रा और इंसेक्ट्स है वो उस इंग्रेडिएंट्स के अंदर जाकर उसको खराब ना कर सके। आप लोग इस गड्ढे के जगह आप लोग परमानेंट सीमेंट का एक कुंड बना सकते हैं जो कि बेहतर होगा इससे। हमने एक बड़ा सा पॉलीथिन लिया है, उसको काट के हम 2 भाग कर रहे हैं। एक भाग तो हम नीचे बिछाएंगे और एक भाग को हम ऊपर से ढांक देंगे ताकि जो बारिश का पानी और बाहर की वेरियस चीज़ें उसके अंदर ना जा सके। आप लोग देखिए अच्छे तरीके से कि हम लोग कैसे उसके अंदर बिछा रहे हैं। अगर आपके पास सीमेंट का कुंड है तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं।
अब आपका दूसरा काम है आपको 20 किलो गोबर उस खाते के अंदर डालना होगा। ध्यान रहे गोबर गीला होना चाहिए, अगर सूखा है तो उसके अंदर बीच में पानी डालें।